नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन हम पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में होने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गूगल पर हम हर चीज़ सर्च करना पसंद करते हैं और हमें लगता है कि हर चीज़ की दवा गूगल है और गूगल पे सब कुछ पता लगता है, लेकिन गूगल हर मर्ज़ की दवा नहीं है दोस्तों, खासतौर से बीमारियों में बिल्कुल भी नहीं। अपनी बीमारी के लक्षण गूगल पर सर्च करके दवाई लेना ठीक नहीं है, ये आपके लिए जानलेवा तक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बीमारी की पहचान में गलती हो सकती है। सिर दर्द, मतली आदि जैसे लक्षण की अगर है तो ये कई बीमारियों की ओर संकेत कर सकते हैं, पर इंटरनेट पर आपने किसी एक बीमारी के बारे में पढ़कर कोई दवाई ले ली तो ये आपके सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी तरह दोस्तों दवाइयों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। दर्द निवारक दवाओं की सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग या कहें दुष्प्रभाव होते हैं। दर्दनाशक पेट में सूजन पैदा कर सकते हैं, इससे अल्सर और रक्तस्राव का कारण बन सकता है। अन्य खतरे ये हैं कि ये दवाएं उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के आघात का खतरा 4 गुना तक बढ़ा देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि गर्भधारण में सभी दवाओं से बचना चाहिए, यहाँ तक कि सुरक्षित लगने वाली दवाएं भी विशेष तौर पर गर्भधारण की पहली तिमाही में अजन्मे बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती हैं। और दोस्तों दवाओं का कभी कभी असर नहीं होता, डॉक्टर मानते हैं कि अनिवार्य जरूरत के बिना नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उनके लिए शरीर में खास तरह की प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है और फिर गंभीर संकट के समय बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो वो शरीर पर असर नहीं दिखाती। एंटीबायोटिक्स के प्रति शरीर में ऐसी रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता आ जाना महत्वपूर्ण मौकों पर जानलेवा साबित होता है। और दोस्तों इसमें मात्रा का भी ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ा खतरा तनावरोधी और अवसादरोधी दवाओं पर निर्भरता होने का है, लेकिन आप डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं जैसे एंटासिड्स, खांसी के सिरप और दर्द निवारकों के आदि होते जा रहे हैं। दवाइयों की अपर्याप्त खुराक बीमारी को ठीक नहीं करती और इलाज को लंबा कर देती है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक खुराक कई अंगों को क्षति पहुंचा सकती है। और दोस्तों दवाई लेने का गलत तरीका भी एक फैक्टर है। दवा एक ही तरीके से नहीं ली जाती, दवाई लेने के कई तरीके होते हैं, इसलिए दवा लेने से पहले उस दवाई के बारे में जान लेना जरूरी है कि इस दवा को किस तरह से लेना है, क्योंकि अगर दवा ठीक तरीके से नहीं ली गई तो इसका असर कम होता हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें और डॉक्टर्स का जो काम है वो डॉक्टर्स को ही करने दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपसे निवेदन है कि आपको जो भी जिस प्रणाली में भी आप विश्वास रखते हैं तो उस प्रणाली के डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी बताएं, जाँच कराएं और फिर दवा लें। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस विचार पर ध्यान देंगे और इसका ध्यान रखें और अपने जो भी फीडबैक्स हैं और कमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे।